नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी व्यंजन में। मैं आज बनाने जा रही हूँ बैंगन की सब्जी, जो आप लोगों को पक्का पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने ले लिया है आधा किलो बैंगन, इसे मैं धो लूंगी और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि बैंगन की सब्जी के लिए कैसे बैंगन को काटना है। क्योंकि अगर हम बैंगन को पतले पतले आकार में काटेंगे या छोटा काटेंगे तो फिर बैंगन गल जाता है, तो वो सब्जी में दिखेगा ही नहीं। इसे मैंने बीच से काट लिया और फिर सिर्फ चार टुकड़े करूंगी और मैं सारे ही बैंगन ऐसे ही काट लूंगी। और अब इसे मैं पानी में कुछ देर के लिए रख दूंगी ताकि ये काला ना पड़े, और तब तक के मैं आलू भी काट लूंगी। आलू मैंने ले लिया है 5 से 6 मीडियम साइज के, उसे भी मैंने थोड़े बड़े बड़े आकार में काट लिया है। और अब मैं ले लूंगी एक कढ़ाई और उसमें मैं डाल दूंगी 4 चम्मच तेल, और तेल के गर्म होते ही साथ में इसमें डाल दूंगी आलू। और आलू को मैं तेज फ्लेम पे ही 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी ताकि थोड़ा सा एक क्रिस्पीनेस आ जाए आलू में। और फिर अब मैं इसमें डाल दूंगी बैंगन। इसे पहले फ्राई करने का खाली यही एक पर्पस है कि जब हम बैंगन की सब्जी बनाएं तो जो बैंगन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो अगर हम इसे एक बार पहले फ्राई कर देंगे थोड़ा सा तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गल नहीं जाएगा इसीलिए। और मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी नमक हल्का सा, और फिर उसे चला के तेज़ फ्लेम पे ही बिना ढके इसे थोड़ी देर पकने दूंगी। तब तक कि मैं मसाला बना लेती हूँ। मैंने ले लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो मैंने घर पे बनाया है, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सब्जी मसाला। अगर आप सब्जी मसाला नहीं डालना चाहते तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और सबको अच्छे से पानी डाल के मैं पेस्ट बना लूँगी, एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। जब तक के जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे ही वीडियो दूसरा डालूं तो वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और ये मसाला तैयार है। तब तक के इधर आलू और बैंगन भी ये देखिए हो चुके हैं। इसे मैं एक बर्तन में खाली कर लूंगी। अब उसी कढ़ाई में मैं ले लूंगी 3 चम्मच तेल और गरम होने दूंगी। मैंने तड़के के लिए ले लिया है 4 प्याज जिसे मैंने लंबे लंबे आकार में काट लिया है, 3 टमाटर ले लिया है उसे भी लंबे लंबे आकार में काट लिया है, और 3 हरी मिर्च ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं तेल गरम होते ही साथ उसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा और फिर ये प्याज और हरी मिर्च। 5 मिनट चलाने के बाद प्याज जब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने मसाला बनाया था, मसाले का पेस्ट बनाया था वो। आप मेरे बताए गए अनुसार एक बार ये बैंगन की सब्जी बनाएं, सबको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि बैंगन की सब्जी वैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है। अब मैं इन सबको 5 से 10 मिनट तक के लिए पका लूंगी तेज फ्लेम पे ही ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और मसाला जैसे ही मसाला पक जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर जो मैंने काट के रखे थे और उसे भी मिला दूंगी, और 1/2 चम्मच डाल दूंगी नमक ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। हम मसाले को जितने अच्छे से पकाएंगे सब्जी उतना ही अच्छा बनेगा। तो मैंने इसे अच्छे से पकाने के बाद जो मैंने बैंगन और आलू थोड़ा सा फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल दूंगी और फिर सबको अच्छे से मिला दूंगी। मसाला के होते ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी पानी 1 ग्लास और 1 चम्मच नमक। आप ग्रेवी की थिकनेस अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल 1 ग्लास ही पानी डाला है और उसमें उबाल आते ही साथ
मैं इसमें बैगन और आलू जो मैंने फ्राई करके रखा था वो डाल दूंगी, क्योंकि मैंने बैगन और आलू में पहले से आधा चम्मच नमक डाला था, तो इसीलिए मैंने जो ग्रेवी बनाई है उसमें ध्यान से नमक डाला है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। और सबको अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसमें उबाल आते ही साथ मैं इसे 5 से 7 मिनट पकने दूंगी। जब सब्जी गाढ़ी हो जाएगी उसके बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और अभी तैयार है सब्जी खाने के लिए। आप लोग एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं सब्जी, आप लोग को डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है बैगन की सब्जी। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूंगी और फिर उस सबको अच्छे से मिला के मैं गैस बंद कर दूंगी। अब मैं निकाल लेती हूँ इसे एक सर्विंग बाउल में और ये देखिए कितना थिक सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बना है, दिखने में ही बहुत डिलीशियस लग रहा है ये। और ऊपर से थोड़ा सा मैं डाल दूंगी धनिया पत्ती। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक के पहुंच सके। तो आप लोग भी ये बैगन की सब्जी बनाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मुझसे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी है tastyvyanjan11। थैंक यू।